एचएल टीवी न्यूज। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 21 फरवरी से हिसार के मायर में रेलवे ट्रैक के पास धरना देंगे। इसके बाद एक सप्ताह में पूरे प्रदेश में आंदोलन फैला दिया जाएगा और पूरे हरियाणा में जाटों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। जाटों को आरक्षण देने के विरोध करने वाले बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी पर तीखी टिप्पणी करते हुए यशपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा में जाति को लेकर राजकुमार सैनी प्रदेश की जनता को भड़का रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। लगता है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। जाट आरक्षण आंदोलन में हिंसा पर बोलते हुए जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि जाट हर आंदोलन शांतिपूर्वक करते हैं, लेकिन सरकार हिंसा की शुरुआत करती है। जाट आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जाट आरक्षण आंदोलन की घोषणा कर दी है। ऐसे में प्रदेश सरकार की मुसीबतें बढ़ना लाजमी है। अब देखना होगा कि प्रदेश में पहली बार आई बीजेपी सरकार जाट आरक्षण आंदोलन को विफल करने में किस प्रकार का रुख अपनाती है। हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की फरवरी में होने वाले आंदोलन के लिए बैठक बुलाई थी, उसमें सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 21 फरवरी को रामायण मैयट से आंदोलन की शुरुआत होगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे हरियाणा में भी आंदोलन फैल जाएगा और ज्यादातर जगहों पर आंदोलन की शुरुआत रेलवे ट्रैक के पास धरने लगा के की जाएगी और 21 तारीख से रामायण मैयट से शुरुआत होगी, उसके बाद सोनीपत से, उसके बाद फिर सभी जिलों को टारगेट दे दिए गए अपनी अपनी तारीख निश्चित कर ले और सब जगह निश्चित कर ले और अपने अपने जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीख और जगह का खुलासा कर। हम लोगों का कार्यक्रम धरने का है, अगर सरकार कुछ ऐसा वैसा करने की नीयत रखती होगी। हमने 2012 में भी धरने लगाए थे और सरकार की मर्जी, वो रेल चलाना चाहे ना चलाना चाहे, हमें नुकसान होगा या सरकार को नुकसान होगा तो सरकार का काम है देखने का, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम आंदोलन करने का। वो हरियाणा में जातीय विद्वेष फैला के अपने आप को नेता स्थापित करना चाहता है। इस तरह के नेता हरियाणा में पहले भी आते रहे जो जातीय विद्वेष पे काम करते रहे। पहले भजन लाल जी थे, फिर कुलदीप बिश्नोई जी थे, अब हो सकता है इसके भी मुख्यमंत्री बनने की चाह, तो इसको भी ये काम करने दो। राजनीतिक नफा नुकसान राजनीतिक पार्टी देखें, और अभी 2017 में चुनाव है, इस तरह की जातिवाद की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं किस तरह से ये काम आएंगे, वहाँ हम लोगों का इलाज करना हम जानते हैं। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।